फ़िलहाल जो अभी जो है घर पे पहुंच चुके हैं और अभी जो है 10:30 भी नहीं, शायद 11:45 हो चुके हैं गाइस, 11:45 हो चुकी है। एक्चुअली हमने डिनर तो कर लिया था, डिनर करके हम जो वॉक करने निकल गए थे। फिर वॉक करते करते जो है कृष्णा जी के मंदिर गए, फिर उसके बाद जागन्नाथ जी महादेव मंदिर गए, फिर उसके वहाँ से घूमते घूमते जो है सीधा घर आ गए। तो गाइस अभी जो पूजा की तैयारियाँ करते हैं, क्योंकि 12 बजे पूजा भी करनी है, तो भाई फटाफट से तैयारी करनी पड़ेगी। सो गाइस पूजा की लगभग तैयारी हो चुकी है और 12 बजने में सिर्फ अभी जो है 5 मिनट बाकी है। देख सकते हो घड़ी, 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। 12 बजते ही गाइस कृष्णा जी का जन्म होगा। तो चलो भाई अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके क्या तैयारी वगैरह करनी हो तो हेल्प कराते हैं। टीवी में भी फिलहाल यही लाइव चल रहा है। सो गाइस फिक्स जो है अभी 12 बज गई है, देखो गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो टाइमिंग हो रही है गाइस 9:08 हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं गौशाला। कितने सारे खरगोश है। ये देख, ये देख, ये देख, पकड़ा पकड़ाई, पकड़ा पकड़ाई खेल रहा है। ये देख 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 देख। और मुर्गे लोग क्या कर रहा है। मुर्गे लोग तो चुपचाप बैठा है। यहाँ पे गाइस मुर्गे लोग है, वहाँ पे खरगोश, और यहाँ पे सारी गौ माता है। यहाँ पे जितनी भी गाइस गाय है ना, कोई अंधी गाय है तो कोई जो है ठीक से चल नहीं पाती कि, और सब गायों का अच्छे से ध्यान भी रखा जाता है। पिछना घास मंगवा, चारा मंगवा। पीछे पीछे पीछे। ये कौन आ रहा है? टाटा बाय। कृष्णा को इतना डर लग रहा है, सच में कृष्णा को इतना डर लग रहा है। इधर ला। खाली। ये कितना मस्त है, सो रहा है। जय गौ माता। ये गाइस इधर भी गाय है और इस साइड भी गाय। इस साइड जो है जिनका पे ठीक से चल नहीं पाते है, इधर वो गाय है जो ठीक से चल नहीं पाते, और सामने जो है जो अंधी गाय है उधर, और जो चल नहीं पाते ये इधर। सो गाइस अभी फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जो है मटकी भी फोड़ना चालू कर देंगे गाइस। तो गाइस कल रात को जो कृष्णा जी के जहाँ पे मंदिर गए थे गाइस, वहाँ पे जो है उनकी तरफ से जो पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में जो हर जगह मटकी बांधी जाती है, लगभग 101 या 151 101 या 151 कुछ ऐसी मटकी बांधी जाती है पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में। तो गाइस अभी जो है मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गई होगी मटकी फोड़ना। अभी क्या है कि गाइस बाजार से घूमते घूमते हमारे घर की तरफ भी आएंगे। तो जैसे गाइस हमारी घर की तरफ आएंगे तो हमको यह डीजे की आवाज आ जाएगी, हम समझ जाएंगे कि भाई वो आ गए। तो हम वहाँ पे जो है फिर देखने जाएंगे कि भाई मटकी 100 से ऊपर मटकी फोड़ना गाइस, सोच सकते हो कितना टाइम लग सकता है। ऊपर से नाचते हुए गाते हुए मटकी फोड़ने जाएंगे, थोड़ी देर बीच बीच में रेस्ट भी करेंगे। तो अभी लगभग जो टाइम हो रहा है गाइस 1 बज चुकी है। मेरे हिसाब से 12 बजे के आसपास ही निकल गए हो गए। इधर भी गाइस मेरे घर के पास में भी लगभग 3 से 6 मटकी जो बांधी गई है गाइस, 3 से 6 मटकी बांधी गई है। तो 3 से 6 मटकी अभी फोड़ेगा इधर ही। तो गाइस डीजे की आवाज़ आ रही है, मेरे को अभी भी आ रही है। हाँ गाइस, तो मतलब कि वो लोग आ चुके। तो अभी मैं फटाफट से चलता, वरना फिर वो रथ जो है निकल जाएगी पूरे डीजे के साथ, पूरे रथ के साथ गाइस। मतलब निकलती है गाइस वो पूरे डीजे के साथ, रथ के साथ जो है वो लोग मटकी फोड़ते। तो गाइस वो लोग आ चुके हैं, मेरे को डीजे की आवाज़ आ रही है अभी भी। फटाफट से चलते हैं अभी। आला का आ गया यार, ये रहा। गाइस भाई साहब फाइनली अभी आ चुका हो। मैं ज़्यादा मार्केट में घुमा नहीं। अभी लगभग गाइस कितनी मटकी बची होगी हमारे इधर 3 फोड़ी, फिर उसके बाद उसके आगे भी 3 फोड़ी, तो 6 तो इधर ही फोड़ दी। 6 फोड़ने के बाद जो है मेरे हिसाब से आगे लगभग और मटकियाँ बंधी हुई है। तो गाइस अभी जो टाइम हो रही है गाइस 4:30 बज चुकी है, तो मेरे हिसाब से वो लोग मुझको 7 बजे तक जो है सब मटकियाँ फोड़ देगा 7 बजे तक। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ये भी एंड करता हूँ। आई होप कि आपको आज के इस ब्लॉग के अंदर मज़ा आएगा। मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक ये टेक केयर, गुड बाय।